ओरियो कुकीज़ आजकल सभी की पसंद बनती जा रही है, क्योंकि ओरियो में एक से बढ़कर एक वैरायटी आ रही है और सभी फ्लेवर्स ट्राई करना वर्थ है। तो ओरियो की इस सीरीज़ में हम लाए हैं एगलेस चॉकलेट सैंडविच विद वाइट क्रीम फिलिंग। और क्योंकि ये कुकीज़ घर में बना रहे हैं, तो इन्हें हमने हेल्दी और बहुत सिंपल रखने की कोशिश की है। और इसी कोशिश में इन कुकीज़ को हम गेहूं के आटे से बनाएंगे, और वो भी बिना ओवन के। और क्योंकि ये कुकीज़ एगलेस हैं, तो इसमें हम फ्लेवर के लिए वनीला एक्सट्रैक्ट रेसिपी में यूज़ नहीं कर रहे हैं, पर अगर आप वनीला फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं तो आप कुकी डो में और इसकी फिलिंग में वनीला फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फिर होममेड एगलेस ओरियोस बनाने मेरे साथ इंडियन जायका में। तो इन्हें बनाने के लिए एक बोल में लेंगे 1/4 कप सॉफ्ट बटर। मैं यहाँ पर सॉल्टेड बटर ले रही हूँ, इसलिए मैं रेसिपी में अलग से सॉल्ट नहीं मिलाऊंगी। अगर आप अनसॉल्टेड बटर लें तो 1/4 टीस्पून नमक और ऐड कर लें। फिर इसमें डालेंगे 1/4 कप पिसी हुई चीनी। इन्हें अब अच्छे से विस्क से या इलेक्ट्रिक बीटर से फेंटेंगे। इसे तब तक फेंटना है जब तक बटर और शुगर मिलकर एकदम लाइट एंड फ्लफी और क्रीमी नहीं हो जाते। विस्क से इसको फेंटने में 5 से 7 मिनट लग जाते हैं, और इलेक्ट्रिक बीटर से ये थोड़ा फास्ट हो जाता है। ये देखिए कितना लाइट और फ्लफी हो गया है। कुकीज़ बनाते वक्त ये बहुत ज़रूरी स्टेप है कि बटर और चीनी को अच्छी तरह से फेंटा जाए, तभी कुकीज़ बनती है सॉफ्ट क्रंची, बिल्कुल मार्केट जैसी। अब एक छलनी में डालेंगे 1/2 कप गेहूं का आटा, 1/2 कप कोको पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, और इन सबको छान लेंगे। इसमें फ्लेवर के लिए आप 1/2 चम्मच वनीला एक्सट्रैक्ट भी डाल सकते हैं। और इसमें 2-3 टेबलस्पून दूध डालते हुए डो बना लेंगे। डो हमें बनाना है जैसा रोटी का आटा लगाते हैं, ना बहुत ज़्यादा टाइट ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। दूध की क्वांटिटी कितनी डलेगी ये डिपेंड करेगा आटे की क्वालिटी पर। तो दूध की क्वांटिटी 2-3 टेबलस्पून से ज़्यादा भी हो सकती है या थोड़ी सी कम भी हो सकती है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करें। इसे रोटी के आटे की तरह गूंधना नहीं है, बस इन सबको अच्छी तरह से इकट्ठा करना है कि एक ही डो की शेप में बन जाए। अब इस डो को 15 मिनट के लिए ढक करके रखेंगे सेट होने के लिए। और अगर आप कुकीज़ ओवन में बेक करना चाहते हैं तो ओवन को प्रीहीट कर लें 375 डिग्री फ़ारेनहाइट या 190 डिग्री सेल्सियस पर। और अगर कढ़ाई में बेक करें तो कढ़ाई में एक रिंग रखें और इसको लिड से कवर करके मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट करें। 15 मिनट हो गए हैं, डो सेट हो गया है। अब इस डो को किसी प्लास्टिक शीट पर या पार्चमेंट पेपर पर रखें और दूसरी शीट से कवर करके इसे बेलें। बेलते टाइम ये ध्यान रखना है कि बराबर थिकनेस यानी सभी तरफ से एक जैसी मोटाई की शीट बेले, और कुकीज़ की शीट को थोड़ा पतला ही बेलें ताकि कुकीज़ क्रंची बने। अब एक राउंड शेप का कटर लेंगे और राउंड कुकीज़ कट कर लेंगे। साइड में जो एक्स्ट्रा डो है इसे हटा लें और नेक्स्ट टर्न में जब शीट बेलें तो उसमें इस डो को काम में ले लें। अब इन कुकीज़ को ट्रे में रखेंगे। और अगर आपके पास में ओरियो कुकीज़ के 1-2 पीसेस रखे हों तो उन्हें आप स्टैम्प की तरह यूज़ कर सकते हैं इन कुकीज़ पर। तो उन्हें इन कुकीज़ पर थोड़ा सा प्रेस करें और फिर हटा लें। इन कुकीज़ पर आप इस तरह से ओरियो के डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। सिर्फ वो मार्केट वाली कुकीज़ का लुक देने की ही हम कोशिश कर रहे हैं। अब इन कुकीज़ की ट्रे को कढ़ाई में रखेंगे और लिड से कवर करके मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट बेक करेंगे। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो 375 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 190 डिग्री सेल्सियस पर इन्हें बेक करें। 15 मिनट में कुकीज़ को चेक कर लें। बेकिंग टाइम कुकीज़ की थिकनेस पर डिपेंड करेगा, और जब तक कुकीज़ बेक हो रही हैं तब तक इन कुकीज़ के लिए क्रीम तैयार कर लेते हैं। तो एक बोल में 1/4 कप सॉल्टेड बटर लेंगे जो रूम टेम्परेचर पे है। इसमें डालेंगे 1/2 कप पिसी हुई चीनी या आइसिंग शुगर। इन्हें अच्छी तरह से विस्क से मिलाएंगे, और जब सब अच्छे से मिल जाएगा और क्रीम एकदम स्मूथ हो जाएगी तब इसे एक पाइपिंग बैग में भर लें।
अब 20 मिनट बाद कढ़ाई में जो कुकीज रखी हैं उन्हें चेक कर लेते हैं। तो ट्रे को कढ़ाई से निकाल लेंगे और कुकीज को पूरी तरह ठंडा होने देंगे। अगर ठंडी होने के बाद भी कुकीज बीच में से सॉफ्ट लगे तो थोड़ी देर और बेक करें ताकि कुकीज पूरी तरह से क्रिस्पी बेक हों। एक बार बेक करके आपको आइडिया लग जाएगा कि कुकीज को बेक होने में कितना टाइम लग रहा है, तो उसी हिसाब से नेक्स्ट बैच कुकीज का बेक करें। कुकीज अब ठंडी हो गई हैं, अब इन पाइपिंग बैग से इन कुकीज पर क्रीम लगा लें और दूसरी कुकी से कवर करके सैंडविच तैयार कर लें। इन कुकीज के टेस्ट में जो बहुत जरूरी पॉइंट है वो ये है कि कुकीज प्रॉपरली बेक होनी चाहिए। अगर कुकीज सॉफ्ट रह जाएंगी तो कुकीज में मजा नहीं आएगा। तो कुकीज ठंडी होने के बाद में चेक जरूर कर लें कि कुकीज प्रॉपरली बेक हुई हैं। तो हो गए ओरियो कुकीज रेडी। तो देखा आपने कितना आसान है ओरियो कुकीज बनाना। यकीन मानिए घर की कुकीज मार्केट की कुकीज से तो बहुत हेल्दी और टेस्टी होती हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी, साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगली बार, और तब तक के लिए ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।